बस यहाँ पे अपलोड इमेज पे क्लिक करो, अपनी या सामने अपने क्लाइंट की किसी भी फोटो को अपलोड करो और आप हर एक फोटो के बदले $5, $10, $15, $20 बड़ी इजी से कमा सकते हो। जी हाँ गाइज, आप ये बात बिल्कुल ठीक सुन रहे हो। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर न्यू वीडियो। आज गाइज मैं आपको एक ऐसी ऑनलाइन जॉब के बारे में बताने वाला हूँ, एक ऐसी स्किल सिखाने वाला हूँ जिसमें आपने एक सेकंड के अंदर फ़ोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करना है और आप अपने क्लाइंट से हर एक फ़ोटो के बदले $5 से लेकर $20 तक ईजीली चार्ज कर सकते हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी स्किल की मदद से एज अ फ्रीलांसर पार्ट टाइम बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो मैं आपको इसी स्किल को करना सिखाने वाला हूँ, ए टू जेड प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। इस स्किल को आप 5 से 10 मिनट में ही सीख जाओगे और पैसे कमाना स्टार्ट कर लोगे। बस आपने अपने मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप को ओपन करना है और फाइवर की वेबसाइट को या ऐप को ओपन कर लेना है और वहां एक कीवर्ड सर्च करना है, रिमूव फोटो बैकग्राउंड। तो रिजल्ट में आपके पास इस तरह बहुत ज्यादा गिग आ जाएंगे। यहां पे देख सकते हो ये वाला बंदा हमें इस तरह फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके देगा $5 के अंदर। सेम इसी तरह आप नीचे और गिग देख सकते हो। यहाँ ऊपर देखो भाई, ये तो बंदा हमसे $20 चार्ज कर रहा है और कह रहा है कि 5 घंटे में हमारी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव हमें करके दे देगा, और इसको भी 13 ऑर्डर आ गए हैं। तो यहाँ पे $5, $5, $5। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये गिग के अंदर इस बंदे ने 1000 ऑर्डर जो है वो कंप्लीट कर रखे हैं। और यहाँ पे देखो, ये कह रहा है कि 1 से 2 घंटों में हमें बैकग्राउंड रिमूव करके देगा $5 में। और इसका जो प्रीमियम प्लान है वो $125 का है, जिसमें ये 500 फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके देगा। यानी कि 500 फ़ोटो यार, आप तकरीबन 1 सेकंड में एक फ़ोटो का बैकग्राउंड ईजीली रिमूव कर लोगे और मैं आपको सिखाऊँगा। और अगर इसका लास्ट ऑर्डर देखे भाई, इसने 37 मिनट पहले कंप्लीट करके कस्टमर को दिया हुआ है, ठीक हो गया। तो आप भी जो है इसी तरह मैं आपको सारा काम सिखाने वाला हूँ, बस आपने वीडियो को एंड तक देखते रहना है। बस आपने क्या करना है, सबसे पहले गूगल ब्राउज़र में आना है या कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च करना है बैकग्राउंड रिमूव। तो आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स आ जाएंगी। नंबर फर्स्ट पे जो वेबसाइट आएगी आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। तो इस वेबसाइट पे आपने यहाँ पे सिंपल सा अपलोड इमेज के बटन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ना ही तो आपने साइन अप करना है, लॉगिन करना है, कुछ भी नहीं करना। तो अपलोड इमेज के बटन पे क्लिक करोगे तो आप किसी भी फ़ोटो को अपलोड कर सकते हो। लाइक जैसे कि मैं अपनी एक ये वाली फ़ोटो को अपलोड कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रिपेयरिंग अपलोड में टाइम लगेगा, कुछ सेकंड का आपने वेट करना होगा। तो आपका सामने कस्टमर आपको जो भी फ़ोटो दे, जिस तरह की भी फ़ोटो दे, आपने बस इस फ़ोटो में, इस वेबसाइट में ला के उस फ़ोटो को अपलोड कर देना है और थोड़ा सा वेट करना है। सो फाइनली कुछ सेकंड वेट करते ही आपका जो फोटो का बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले ओरिजिनल फ़ोटो आप देख सकते हो, मेरी कुछ इस तरह से थी, बैकग्राउंड में ये कुछ इस तरह से था और रिमूव होने के बाद हमारा बैकग्राउंड इस तरह का हमें मिलेगा। अब यहाँ पे आप इस फ़ोटो को चाहो तो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप अगर कोई चीज़ की कमी हो तो आप अपलोड जो भी इमेज है उसे एडिट कर सकते हो। एडिट के बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप ब्लर करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। अगर आपका कस्टमर कहता है कि हमें बैकग्राउंड के अंदर कलर चाहिए तो वाइट चाहिए, किस तरह का बैकग्राउंड चाहिए, तो आप वो भी यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। कोई फ़ोटो डालनी है तो आप वो भी डाल के उसे देख सकते हो। यहाँ से इरेजर इस्तेमाल करके आपका कोई भी अगर बैकग्राउंड में से हिस्सा रह गया, रिमूव नहीं हुआ, तो आप उसको भी रिमूव कर सकते हो और फोटो को एक अच्छे से एडिट वाली लुक दे सकते हो। तो ऐसे चंद सेकंड में आपका जैसे ही जो फोटो का बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाए तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलती हैं, वीडियो डाउनलोड HD की और HD नॉर्मल डाउनलोड की। तो आप HD क्वालिटी में भी अपनी फ़ोटो का डाउनलोड कर सकते हो, नॉर्मल क्वालिटी में भी डाउनलोड करोगे तो वो फ़ोटो आपकी। तो ये मेरी फ़ोटो कुछ यहाँ पे इस तरह एडिट होकर सेव हो गई है, बैकग्राउंड उसका रिमूव हो चुका है। अब जैसे ही आप यहाँ से फ़ोटो को एडिट कर लो, रिमूव कर लो बैकग्राउंड, अब आपने वापस आना है फाइवर पे। अब फाइवर पे आपने एक गिग बनाना है। अब गिग कैसे बनाना है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, सिखा देता हूँ। फाइवर पे गिग बनाने के लिए आपने स्विच टू सेलर अकाउंट पर क्लिक करना है। फाइवर का अकाउंट बनाना आपको आता होगा, नहीं आता तो आप जाके YouTube पे वीडियो देख के फाइवर का अकाउंट बना सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू गिग के बटन पे क्लिक करना है और अब एक गिग क्रिएट करना है। सबसे पहले गिग बनाने से के लिए आपको उसका टाइटल रखना होता है, आई विल पहले से ही लिखा आएगा। अब यहाँ पे आपने टाइटल में
80 करेक्टर के अंदर रखना है अपना। तो यहाँ से आप कोई भी एक ले सकते हो जिस पे ज़्यादा ऑर्डर आए हों, जैसे कि ये है गिग, एक ये मैंने गिग ओपन कर रखा है, यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। अब मैं आपको एक गिग क्रिएट करके दिखाता हूँ, जैसे कि ये बंदा है, इसके इस गिग के ऊपर इसे 1000 ऑर्डर मिले हुए हैं, क्योंकि ये हमें 100 फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करके देगा, वो भी $5 में। ठीक हो गया। अब मैंने आपको बताया कि बड़ी आसानी से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप सेम इसी तरह का एक टाइटल बना लो अपने लिए, और आप अपने टाइटल में इसने 100 रखा हुआ है, तो आप क्या कर लो, आप 150 लिख लो, 200 लिख लो, ठीक है, क्योंकि आप एक सेकंड में तो भाई आसानी से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हो। तो ये आपने टाइटल कुछ इस तरह से रख लेना है, आई विल रिमूव फोटो बैकग्राउंड, कुछ भी आप रख सकते हो। उसके बाद आपने कैटेगरी चूज़ करनी है, यहाँ पे फोटोग्राफी, ठीक है, और यहाँ पे हमने कर लिया कैटेगरी सेलेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने नीचे रखना होगा टैग्स, टैग्स में आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे हम बैकग्राउंड रिमूव सेलेक्ट कर लेते हैं। अब 5 टैग्स आपने मिनिमम ऐड करने होते हैं, यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बेसिक प्लान, स्टैंडर्ड और प्रीमियम प्लान में आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपने लिखनी होती है। नीचे यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है आप कितनी फ़ोटोज़ दोगे करके, तो मैं यहाँ पे जी कर रहा हूँ, आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जी बेसिक में मैंने 20 रख दी, यहाँ पर स्टैंडर्ड में मैंने रख दी 30 रख दी, और यहाँ पर मैंने रख दी अनलिमिटेड। चलो मैं अनलिमिटेड की भी ऑप्शन आती है, लेकिन हम यहाँ पर कर रहे हैं 50 फ़ोटो, जो कि मैं एडिट करके दूंगा, ये मैंने रख लिया। उसके बाद सोर्स फाइल दूंगा, सभी में दूंगा, यहाँ इसमें बेसिक में नहीं, हाई रेजोल्यूशन है। अब बारी आ गई प्राइस की, प्राइस में हम जी यहाँ पे $5 बेसिक के रख रहे हैं, यहाँ पे इसके $15 रख रहे हैं, और इसके हम रख रहे हैं $30। ठीक हो गया। आप अपने हिसाब से प्राइस वगैरह सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप इन चीज़ों को कुछ ऐड करना चाहते हो कर लो, ठीक है, वरना आप यहाँ पे सेव टू कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कीजिएगा। अब थर्ड स्टेप के अंदर आपने रखना होता है अपने गिग की डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन क्या होता है जी, आपने इसमें बताना होता है कि आप क्या दे रहे हो गिग के अंदर, क्या लोगों को मिलेगा। तो अब यहाँ पे जैसे इसने लिखा हुआ है जी, मैं आपको ये चीज़ें करके दूंगा, इस गिग में आपको ये यानी कि मिलेगा, आप मेरे से इस तरह फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करवा सकते हो। तो आपने कुछ अपनी डिस्क्रिप्शन के बारे में यहाँ पर लिख लेना है, वरना मैं जस्ट कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा रहा हूँ कि भाई यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखते कैसे हैं, वरना आपने खुद लिखनी है, आपने किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करनी है। ठीक हो गया। तो अच्छे से डिस्क्रिप्शन लिखिएगा, तो मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं नीचे आके सेव टू कंटिन्यू। अब यहाँ पे जो फोर्थ नंबर पे है हमारे पास रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट में आप अपने कस्टमर से सामने से कोई चीज़ रिक्वायर्ड कर सकते हो कि भाई आपको फ़ोटो का साइज़ क्या चाहिए, फ़ोटो किस क्वालिटी में चाहिए, या कितनी आप फ़ोटोज़ करवाना चाहते हो, आपको क्या चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जी फ़ोटोज़ यहाँ पे सेंड मी, ठीक है, ये मैंने जस्ट एक लिख दिया, लेकिन आपको कुछ सामने अपने कस्टमर से जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हो, ठीक है, जैसे कि फ़ोटोज़ चाहिए हो, फ़ोटोज़ की क्वालिटी क्वांटिटी वगैरह, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्वेश्चन वगैरह के तौर पे ऐड कर सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू कर लो। एंड फिफ्थ नंबर पे ऑप्शन आपके पास आती है गैलरी की, जिसमें आपने अपने प्रोडक्ट की गिग की यानी कि फ़ोटोज़ डालनी होती हैं। अब जो गिग की आप 3 फ़ोटोज़ डाल सकते हो, यहाँ पे एक वीडियोज़ डाल सकते हो और एक PDF में भी डाल सकते हो। जैसे कि ये बंदा है, इसने यहाँ पे ये पहले डाली हुई है फ़ोटो, उसके बाद उसने ये फ़ोटो डाली हुई है, उसके बाद उसने ये फ़ोटो डाली हुई है। तो आप भी कुछ इस तरह फ़ोटो अपलोड कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए मेरे पास कोई फ़ोटो नहीं पड़ी हुई, ठीक है, वरना मैं फ़ोटो यहाँ पर जस्ट अपलोड कर देता। नहीं तो यहाँ पे अगर जो चलो हमने बैकग्राउंड रिमूव किया जिस फ़ोटो का, इसी को मैं डाल के देखता हूँ जी, नहीं ये अपलोड नहीं हो रही, इसकी विड्थ और हाइट का इशू है, वरना तो चलो मैं जस्ट आपको कोई भी रैंडम सी फ़ोटो अपलोड करके दिखा रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक फ़ोटो पड़ी हुई थी, ये मैंने जस्ट अपलोड कर दी आपको दिखाने के लिए। उसके बाद मैं सेव टू कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करता हूँ, सॉरी यहाँ आई एग्री, उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद लास्ट का आएगा आपका पब्लिश का, सो उसके बाद ऑलमोस्ट आपका जो गिग है वो पब्लिश हो जाएगा अगर आप पब्लिश गिग के ऊपर क्लिक करोगे। लेकिन फ़िलहाल मैं इसे पब्लिश यहाँ पे नहीं कर रहा। और आपका जो गिग आप पब्लिश करोगे वो आप गिग के अंदर जाओगे एंड वहाँ पे आपका जो गिग है वो आपको शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव गिग के अंदर। वरना अगर आप ड्राफ्ट में चाहो तो अपने गिग को ड्राफ्ट में रख सकते हो, ठीक है।
तो यहाँ पे ये मेरा फ़िलहाल ड्राफ्ट में चले गया है, जब आप पब्लिश करोगे तो वो आपका एक्टिव गिग में चले जाएगा और आपका गिग जो है वो लोगों की तरह यहाँ पे सजेशन पे फाइवर शो करवाएगा और आपको इस तरह शो करवाएगा और आपको कस्टमर आएंगे, एंड कस्टमर जब आपके पास आएंगे सो ऑलरेडी आप जो है वहाँ अर्निंग कर सकते हो। सो ये बहुत ज़्यादा एक अच्छी स्किल्स है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। सिंपल आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके बैकग्राउंड रिमूव करना होता है और एक गिग बना के डालना है, बाद में आपको ऑर्डर्स मिलेंगे और आप पार्ट टाइम कुछ ना कुछ पैसे कमा सकते हो। एक फ़ोटो भी बैकग्राउंड रिमूव करते हो तो गाइज़ आप $5 कमा सकते हो और आप ज़्यादा ऑर्डर्स लाने के लिए 100-150 अपने गिग के टाइटल में डाल सकते हो, फ़ोटोज़ बैकग्राउंड रिमूव करके दोगे। ठीक हो गया आपका? तो मुझे पता नहीं कि आप इस स्किल को सीरियसली करते हो कि नहीं करते, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और आपको भी दिखाया है कि भाई लोग इस काम को, इस स्किल को सीख कर पैसे कमा रहे हैं। तो प्लीज़ यार अपने काम को इजी बनाओ, घर बैठे पैसे कमाओ और लोगों की जॉब से, लोगों की बातों से बचो। आई थिंक गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो ये थी आज की हमारी छोटी सी और ऑनलाइन अर्निंग वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। काम कैसे लगी, स्किल कैसे लगी, सीख के समझ आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ऐसे ही और ऑनलाइन अर्निंग वीडियोस बनाता रहता हूँ, आपको रियल रियल ऑनलाइन अर्निंग मेथड बताता रहता हूँ, काम करके पैसे कमाने के बारे में सिखाता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, वीडियोस देख के ऑनलाइन पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो। अदर वीडियोज़ में भी मैंने A to Z सिखाया हुआ है, वरना आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर नहीं किया अभी तक तो। नोटिफिकेशन को भी सब्सक्राइब करके प्रेस कर लेना, इससे आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन वक्त पे मिलता रहेगा। सो चलो यार मिलता हूँ बहुत जल्दी इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना अपने प्यार का ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।